केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। मंगलवार को वे छत्रपति संभाजी नगर में थे। वहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर प्रहार किया। इस प्रहार के बाद कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अतुल लुंठे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, इसके पहले के वादे भी ये पूरे नहीं कर पाए। आज अमित शाह जी महाराष्ट्र में है और स्टेनगन से धार धार जैसी गोलियां निकलते हैं वैसे झूठ बोल रहे हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो लिया, लेकिन 2017 में जो जलपूजन किया था छत्रपति शिवाजी महाराज के, अरबी समंदर में जो स्मारक बनना था, वो वादे क्या क्या हुआ? जो छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा दे सकते हैं वो महाराष्ट्र की जनता के साथ या भारत देश की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? और दूसरी बात आपने कही कि शरद पवार को महाराष्ट्र पिछले 50 साल से सहन कर रहा है। इसी शरद पवार जी के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं राजनीति में उनकी उंगली पकड़ कर आया हूं। अगर शरद पवार जी के बारे में बात ऐसी है तो अमित शाह जी गुजरात और देश पिछले कई सालों से, खासकर देश पिछले 10 सालों से सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को सहन कर रहा है, ऐसा आपका कहना है क्या? या आप ये चाहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मैं हूं, मोदी जी नहीं?